वेलकम टू माय चैनल। और आज जिनास के नए रेट के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बात करते हैं चना की। चना मुल्तान में 7,000 से लेकर 7,025 रुपये पर मन। चना मुल्तान में 7,000 से लेकर 7,025 रुपये पर मन। फैसलाबाद में चने का रेट है 6,900 से लेकर 6,925 रुपये पर मन। फैसलाबाद में चने का रेट है 6,900 से लेकर 6,925 रुपये पर मन। सरगोधा में चने का रेट है 7,200 रुपये पर मन। सरगोधा में चने का रेट है 7,200 रुपये पर मन। 40 kg का रेट है। अस्टर्न चने का रेट है 170 रुपये पर kg। अस्टर्न चने का रेट है 170 रुपये पर kg। चने के बाद बात करते हैं ग्वारा की। ग्वारा 10,300 से लेकर 10,600 रुपये। ग्वारा 10,300 से लेकर 10,600 रुपये। मिल पास का रेट है 100 किलो की बोरी का रेट है। इसके बाद बात करते हैं मूंग की। मूंग फैसलाबाद में 6,250 से लेकर 6,350 रुपये पर मन। मूंग फैसलाबाद में 6,250 से लेकर 6,350 रुपये पर मन। 40 kg का रेट है। इसके बाद बात करते हैं सरगोधा की। सरगोधा में मूंग का रेट है 6,100 से लेकर 6,200 रुपये पर मन। सरगोधा में मूंग का रेट है 6,100 से लेकर 6,200 रुपये पर मन। नई मूंग का सरगोधा में रेट है 6,300 रुपये पर मन। हैदराबाद में मूंग का रेट है 6,400 रुपये पर मन। नई मूंग का हैदराबाद में रेट है 6,500 रुपये पर मन। इसके बाद बात करते हैं बाजरे की। बाजरा मुल्तान में 2,325 रुपये पर मन। बाजरा मुल्तान में 2,325 रुपये पर मन। फैसलाबाद में बाजरे का रेट है 2,375 रुपये पर मन। सरगोधा में बाजरे का रेट है 2,375 रुपये पर मन। लाहौर में बाजरे का रेट है 2,400 रुपये पर मन। रावलपिंडी बाजरे का रेट है 2,425 रुपये पर मन। हैदराबाद में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है, वहाँ बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 6,150 रुपये। हैदराबाद में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 6,150 रुपये। कराची में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 6,200 रुपये। कराची में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 6,200 रुपये। जैसे आज के जरिए जनाज के रेट्स, याद रहे कि मार्केट के अंदर दिन को काल में अप एंड डाउन आता रहता है, उतार चढ़ाता रहता है, और मार्केट मार्केट भी रेट वैरी करते हैं, बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाता रहता है। और जो रेट्स होते हैं वो माल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसा माल होगा वैसे रेट्स होंगे। अगर माल अच्छा होगा तो रेट यकीन तौर पर अच्छे लगेंगे। अगर माल के अंदर कमी पेशी होगी तो रेट यकीन तौर पर नीचेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।